कोई माहौल दंगे या फसाद का नहीं था, फिर भी उसने अमन की बात को फैलाना शुरू कर दिया, क्योंकि वो जानता था कि दिलों में छिपी हुई नफरतें कभी भी माहौल खराब कर सकती हैं। ऐसे माहौल कभी बने ही नहीं, इसलिए वो दिलों में बसे नफरत को जड़ से खत्म कर देना चाहता था। आज जो भी हो रहा है ना, उसकी वजह सिर्फ आप है। खुलेआम लोग बंदूक लेकर घूम रहे हैं। मुझे मदद अपने दोस्त की करनी है, अगर वो टेररिस्ट भी निकला ना, फिर भी। पिछले वीडियो में हमने इस बात पे तबसरा किया था कि कैसे कुछ हमारे मुसलमान भाइयों की इमेज खराब हो रही है और हमारे हिंदू भाई वो भी उसी रास्ते पे जा रहे हैं। कोई भी मजहब गलत बातें नहीं सिखाता, गलत तो इंसान होता है। दहशतगर्दी किसी भी मजहब के लिए अच्छी नहीं है, चाहे वो हिंदू हो मुसलमान हो। नहीं अबू, आप हमें ना रोके। लास्ट जनरेशन भी इनके खिलाफ कुछ नहीं बोल पाई थी और इसी वजह से हम सबकी ये हालत है। जाओ जाके लोगों को अपने वीडियोस के बारे में बताओ और जो तुम सोचते हो वो बताओ। खुद पर्दे के पीछे और ये पर्दे के आगे, बेवकूफ कब समझोगे इनकी चाल। आसिफ भाई, अगर मेरी वीडियो से आपको इतनी प्रॉब्लम है तो आज से वीडियो बनाना बंद। हमें पीस के ऊपर सारे वीडियोस बनानी है, हमें पीस को प्रमोट करना है। बाकी जितनी हयान की अधूरी वीडियोस रह गई हैं, वो हम दोनों को मिलके पूरी करनी है। मामला कुछ गंभीर लगता है, पुलिस स्टेशन जाकर चेक करना पड़ेगा। टेररिज्म को बढ़ावा देने के चार्जेस होंगे मोस्टली। आसिफ भाई मुझे बोल रहे कि श्लोक सर का यकीन ना करे क्योंकि वो हिंदू है। ये किस्सा यहीं पर खत्म नहीं हुआ। Download and subscribe to Chimarumi app now.